तो दोस्तों आज दिसंबर की चार तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से ऑर्नामेंटल प्लांट या पत्तियों वाले पौधे पर है अगर आप मनी प्लांट के शौकीन हैं और बहुत कोशिश करने पर आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मनी प्लांट का एक जो सब्सिट्यूट पौधा जिसको आप बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं वो शेयर करने वाला हूँ इसको फेलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ या फिर ऑक्सीकार्डियम बोलते हैं बहुत खूबसूरत ये ऑर्नामेंटल प्लांट रहता है खास तौर पर सेम टू सेम अगर आप देखेंगे इस पौधे में भी जिस तरह से मनी प्लांट में जो सेकेंडरी रूट्स डिवेल्प होती है सेम टू सेम इस पौधे में भी सेकेंडरी रूट्स डिवेल्प करती हैं लेकिन इसकी जो लीफ का साइज़ है वो थोड़ा अच्छा रहता है इसमें एक फाइलोड ब्राज़ील की वैरायटी भी आती है जो थोड़ी सी वेरीगेशन को लिए रहती है इसके अलावा इन पौधों में जो एक और ख़ास क्वालिटी है वो ये कि ये एयर प्योरीफायर प्लांट रहते हैं और इंडोर पौधे रहते हैं इंडोर से मेरा मतलब कि ये सेमी शेड और दूसरा कम रोशनी दोनों तरह से ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं सरवाइव भी कर जाते हैं अगर आपका गार्डन किसी ऐसी जगह पर प्लेस्ड है जहाँ पर कम देर की रोशनी रहती है तो वहाँ पर भी ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे अच्छे से सरवाइव करेंगे इन पौधों को कम पानी चाहिए होता है इनकी मिट्टी में हल्की सी नमी मेंटेन रहे और इस तरह से मोस्टिक ग्रो कीजिए मोस्टिक में हल्की सी नमी को बस मेंटेन रखिए बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तब भी ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं गमले के साइज़ की बात करूँ तो गमले का जो साइज़ रहता है वो डिपेंड करता है आपके प्लांट की ग्रोथ पर लेकिन मोस्टली जो इसके लिए 10 या 12 इंच का जो गमला है वो बहुत सफिशेंट रहता है उसके अंदर ये अच्छे से ग्रो कर जाता है मिट्टी इनको दूसरे सभी पौधों की तरह वेल ड्रेन चाहिए होती है जिसके अंदर जैसे मैंने बताया हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करे लेकिन पानी बहुत ज़्यादा खड़ा ना हो क्योंकि ये कम पानी को बहुत ईजली टोलरेट कर जाते हैं ड्राउट टोलरेंट रहते हैं ये कम पानी में अच्छे सर्वाइव करते हैं इसलिए इनकी मिट्टी में एक हिस्सा खाद एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रेत या बजरी का और एक हिस्सा कोकोपीट का तो इस तरह से चार हिस्से में इसकी जो मिट्टी है वो रेडी कीजिए ग्रोइंग सीज़न इन पौधों का भी मानसून या गर्मी का सीज़न रहता है दूसरे सभी पौधों की तरह ज़्यादा सर्दी अगर आपके एरिया में पड़ती है या टेम्परेचर डिग्री या 5 डिग्री से भी नीचे रहता है तब उस कंडीशन में इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी थम सी जाती है ये डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं इनकी गोल्डन इस तरह से लाइट ग्रीन पत्तियों के कारण इनको गोल्डन फाइलो डेंड्रॉन भी बोला जाता है उसको आपको अगर नर्सरी पर लेने जाना हो तो आप इस नाम से भी मांगेंगे कई बार नर्सरी वाले आपको इस नाम से भी देंगे प्राइस रेंज देंग की बात करूं थोड़े से ये प्लांट दूसरे पौधों के अकॉर्डिंग कॉस्टली रहते हैं लेकिन सेम टू सेम मनी प्लांट की तरह आप इस पौधे को भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं जैसे इसकी जो एरियल रूट्स हैं या सेकेंडरी रूट्स हैं वो डेवलप करती हैं इसलिए आप इन पौधों को ईजिली जो है वो मनी प्लांट की तरह आप सेम टू सेम जो है वो पानी में ग्रो कीजिए और अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में इसको जगा दीजिए क्योंकि ये एयर प्योरीफायर प्लांट है गमले के साथ साथ इन पौधों को आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और लास्ट में अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं तो दूसरे सभी इंडोर प्लांट्स की तरह इनको कोई बहुत हैवी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती आप इनको कभी कभार मंथली एक बार एन पी के लिक्विड एन पी के जो भी आपके पास बैलेंसड अवेलेबल हो एन पी के बीस बीस एन पी के उन्नीस उन्नीस या अठारह अठारह जो भी आपके पास अवेलेबल रहे दो ग्राम एक लीटर पानी में डिजोल्व करके इसकी पत्तियों पर स्प्रे कीजिए और इसके गमले की मिट्टी में दीजिए तो उस कंडीशन में आप नोटिस करेंगे इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकल कर आएगी दूसरा इसकी जो लीफ का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा निकल कर आएगा इसके अलावा और सभी कंडीशंस में ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल रफ टफ़ रहते हैं इजी टू केयर रहते हैं कम इनको देखभाल चाहिए होती है तो आप बिल्कुल इनको मनी प्लांट अगर आपसे अच्छे से ग्रो नहीं करता तो उसके सब्सिट्यूट पर ग्रो कीजिए ये आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर